नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टाइम न्यूज़, मैं आपके साथ संकल्प तिवारी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस प्रशासन द्वारा नजरबंद कर गिरफ्तारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल यूपी के सोनभद्र में जमीनी विवाद में 10 लोगों की मौत हुई थी, साथ ही 2 दर्जन लोग इस नरसंहार की घटना में घायल हुए थे। घायलों और मृतकों के परिजनों से मिलने जा रही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था और पुलिस प्रशासन ने प्रियंका को नजरबंद करके रखा गया। पुलिस प्रशासन इस रवैया के बाद प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गई थी। इस मामले के बाद अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुभाष पटेल और महिला कांग्रेस नेत्री पवित्र कौर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी के योगी सरकार का पुतला फूंका, साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आदिवासियों के ऊपर गोली चलाई गई। इस देश में गौरसे की विचारधारा की सरकार चल रही है और कांग्रेस पार्टी इस देश में गौरसे की विचारधारा की सरकार नहीं चलने देगी, गौरसे की विचारधारा को नहीं पनपने देगी। हमने आज गांधीवादी तरीके से ओबुदल्लागंज ब्लॉक में महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से आज हमने ज्ञापन दिया है कि जिस असंवैधानिक तरीके से प्रियंका गांधी जी को रोका गया, एक दिन के लिए उनको नजरबंद किया गया, उसका हमने आज विरोध किया है और यूथ कांग्रेस आज पूरी विधानसभा और पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन कर रही है।